दोस्तों, मेरे साथ जो पेशेंट हैं ये गुवाहाटी आसाम से हैं। इनको बचपन से एलोपेशिया रियाटा का उफोसिस पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर एक बैंड के रूप में बाल चले जाते हैं जो ईयर टू ईयर बढ़ जाते हैं, और ये ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाए तो पूरे स्कैल्प में फैलना शुरू हो जाता है। आप देखिए 50% के करीब इन्वॉल्वमेंट है ये, और इनको बचपन से है। अभी 2 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ली थी और अब ये गुवाहाटी से यहाँ पर दिखाने आए हैं। इनको पहले से इम्प्रूवमेंट है, कुछ फॉलिकल नए आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये उफोसिस पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रीट होना। अगर पैच सिर के अगले हिस्से में हो या कहीं और हो तो वो जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन अगर ये ओसीपिटल पे है, उफोसिस पैटर्न में है, ऐसे एक बैंड में है, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदा के प्रिंसिपल के हिसाब से, चलने से, आयुर्वेदा के लाइफस्टाइल से, दिनचर्या से, ऋतुचर्या से और पथ्य अपथ्य के पालन से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो रिवर्स हुए इम्यून सिस्टम को दोबारा से स्टेबल कर सकती हैं और दोबारा से उसे ठीक करके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो एलोपेशिया रियाटा हुआ है उसे ठीक कर सकती हैं।